अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में रविवार देर रात एक नाव डूब गई। हादसे में 51 लोगों की मौत हो गई, इनमें कई बच्चे हैं। आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मछली पकड़ने वाली नाव पर 130 लोग सवार थे, जो इसकी क्षमता से ज्यादा थे। इनमें से अब तक 5 लोगों को बचाया गया है, जबकि कई लापता है। ये लोग मोजाम्बिक के नामापोला प्रांत के लुगा शहर से मोजाम्बिक के मुख्य द्वीप जा रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि सभी हैजा की बीमारी से बचने के लिए पलायन कर रहे थे। सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इनमें लोगों को रेस्क्यू करते हुए और समुद्र के किनारे कई शवों को देखा जा सकता है।